मेरे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद कर रहा हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे, एकदम जबरदस्त तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। चलिए बच्चे, फटाफट आज के लेक्चर तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चे, मैंने आपको ये इन्फॉर्म कर दे रहा हूँ कि भैया हम जो है आज इस वीडियो लेक्चर के अंदर 5 नंबर के लिए जो हमारा जो है एम है उसको हम टारगेट कर अचीव करने वाले हैं। क्योंकि भैया इस चैप्टर जो मैं पढ़ाने वाला हूँ, आज के जो चैप्टर करने वाले बच्चे, वो हमारा होने वाला है डी एन एफ ब्लॉक के एलिमेंट के बारे में अपन यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो सारे बच्चों को ये कन्फर्म हो जाना चाहिए कि हम आज कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे बेटा। डी एन एफ ब्लॉक पढ़ेंगे, जो कि हमारा अध्याय नंबर 8 होता है, ठीक है बेटा। और यहां से जो है आपको जो 5 अंक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं बेटा, 5 ही अंक जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि एक सिंगल क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ पूछा जाता है। तो आपको इसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। अब सारे बच्चों को मैं कंफर्म कर दे रहा हूँ भैया कि सारे बच्चे एकदम जो है बहुत प्रॉपर तरीके से जो है बैठे होंगे, बहुत अच्छे तरीके से जो है पढ़ाई में लगे होंगे। चलिए बच्चे, फटाफट आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। एक बात मेरे को बता दो बच्चे कि आप लोग जो है पूरा का पूरा जो पीरियोडिक टेबल है वो जान रहे होंगे, ठीक है। उम्मीद करो कि सारे बच्चे जो है जान रहे होंगे, ठीक है। तो अगर नहीं भी जानते, मैं छोटा सा जो है मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि भैया हमारा पीरियोडिक टेबल जो होता है वो कैसे बना हुआ है, ठीक है। तो हमारा पीरियोडिक टेबल जो होता है बच्चे, मैंने पी ब्लॉक के अंदर भी ये चीजें बोली हुई, अभी और वापस से मैं बोल दे रहा हूँ कि भैया हम वहाँ पे जो पीरियोडिक टेबल जो बनता है, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो बनता है, वो क्या होता है बेटा, एक जो है प्रॉपर्टी वाले जो एलिमेंट होते हैं, एक सदस्य जो होते हैं, उनको एक ही ग्रुप में रखा जाता है। तो उसी तरह से अरेंजमेंट करने पर बेटा हमको जो पीरियोडिक टेबल मिलता है, और हम ये बोल सकते हैं कि वो जो है परमाणु क्रमांक के हिसाब से जमा हुआ है, रखा हुआ है, ठीक है। अब उस परमाणु क्रमांक के हिसाब से जब रखा, तो उसमें अलग अलग जो प्रॉपर्टी होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होते हैं, उनके बेसिस पे उसको अलग अलग जो है ब्लॉक्स में डिवाइड किया गया, अलग अलग जो है ब्लॉक जो उनको दिया गया। तो वो ब्लॉक कौन कौन से बेटा, आप पता है, जहाँ पे हमारा इलेक्ट्रॉन होता है, वो आखिरी जो इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूँ मैं, वो आखिरी इलेक्ट्रॉन जो है अगर वो एस ब्लॉक के अंदर आके रुक रहा होता है, तो बच्चे उसको हम बोलते हैं क्या है, एस ब्लॉक के एलिमेंट बोलते हैं, एस ब्लॉक के तत्व बोलते हैं, या फिर पूरा ओवरऑल इसको एस ब्लॉक बोल रहे होते हैं। ये तो बात समझ आई, ठीक है। अब बच्चे, जो हमारा आखिरी इलेक्ट्रॉन होता है वो क्या करता है, पी ब्लॉक में आके रुक जाता है, तो वो हमारा क्या होता है, पी ब्लॉक के एलिमेंट हो रहे होते हैं। उसी प्रकार जब आखिरी इलेक्ट्रॉन डी ब्लॉक के एलिमेंट पे आते हैं, ठीक है, डी ब्लॉक में आता है, तो वो हमारा क्या होता है, डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, और वो एफ ब्लॉक जहां पे आता है, तो वो एफ ब्लॉक के, एकदम सिंपल सी बात, ठीक है। अब बच्चे, हम पीरियोडिक टेबल में इसका हमको ये क्लासिफाइड भी करने आना चाहिए कि कहां कहां पे डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, कहां पे पी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, और कहां पे एफ ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, ये सारी चीजें पता भी तो होनी चाहिए। तो उसके लिए बच्चे ध्यान से देखो, हम पीरियोडिक टेबल कुछ इस तरीके से दिखता है अपना, ठीक है। पीरियोडिक टेबल में जो हमारा ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2, वर्ग 1 और वर्ग 2 की बात कर रहा हूं मैं यहां पे, तो वर्ग 1 और वर्ग 2 जो होता है बेटा, वो हमारा क्या होता है, एस ब्लॉक के एलिमेंट, और जो हां से वर्ग 3 से वर्ग जो है 12 का जो एलिमेंट होता है बच्चा, वो हमारा क्या होता है, डी ब्लॉक के एलिमेंट। और पी ब्लॉक के एलिमेंट तो सारे बच्चों को पता है, ग्रुप नंबर 13 से लेकर ग्रुप नंबर 18 तक के जो एलिमेंट होते हैं बच्चा, वो हमारा होता है पी ब्लॉक के एलिमेंट। अब बच्चे, बच्चों के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि सर एफ ब्लॉक जो है कहां पे होता है, हमारे पास वर्ग जहाँ पे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो होता है वहां पे जो है 7 जो है आवर्त होते हैं और 18 वर्ग होते हैं, तो आखिरकार हमारा जो है एफ ब्लॉक कहां पे है, बताऊंगा भाई, सबर करो थोड़ा सा, ठीक है। चलो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब बच्चे, थोड़ा सा हम अब जो है फोकस करते हैं कि भाई क्या हम इस टॉपिक के अंदर क्या चीजें पढ़ने वाले हैं। तो मैं सारे बच्चों को इन्फॉर्म कर दूं कि भाई हम लोग डी एंड एफ ब्लॉक यहाँ पे पढ़ने वाले, सिर्फ और सिर्फ डी एंड एफ ब्लॉक के बारे में बात करेंगे, पी ब्लॉक के बारे में बात नहीं करेंगे, क्योंकि मैंने पी ब्लॉक तो खत्म कर चुका है। बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया सारे बच्चों को। तो यह एक बात यहाँ से मैं एक और जो क्लियर कर देता हूँ कि भाई ये जो वीडियो लेक्चर होने वाला है वो जो है सिर्फ और सिर्फ बच्चे बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाला है। क्या बच्चा, बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाला है, वो भी छत्तीसगढ़ बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाला है, ठीक है, अदर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं होने वाला। क्लियर है सारे बच्चों को, समझ में आया। अब देखो बच्चे, हम ये वीडियो लेक्चर स्टार्ट करना फटाफट, उससे पहले ये सारी चीजें क्लियर होनी चाहिए, ठीक है बच्चे। देखो बच्चे, यहाँ पे क्या बात करते हैं कि यहाँ पे जो है सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के ऊपर मैं बात करूंगा, बाकी क्वेश्चंस के ऊपर यहाँ पे डील नहीं करेंगे। जो हमारे बोर्ड में आप पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस के बारे में हम बात करेंगे। तो बच्चे यहाँ पे हमको मैसेज करके बोल रहे होते हैं कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे दीजिए, बट यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही तो बात की जाती है, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में ही तो बात की जाती है, तो उसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में बात करता हूँ। देखो बच्चा क्या होता है, जो हमारा डी एंड एफ ब्लॉक जो होता है, यहाँ से एक जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि डी ब्लॉक जो होता है वो कितने सीरीज में बांटा गया, कितने जो श्रृंखला में बांटी जाती है, ये हमारा एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लिख लो भाई कॉपी के अंदर, ठीक है, लिख लो फटाफट। अब बच्चे डी ब्लॉक की अगर मैं बात करूँ, तो ये जो होता है हमको जो है आवर्त जो है 4 से ही स्टार्ट होता है बेटा। क्या होता है, आवर्त 4 से स्टार्ट होता है, ठीक है, पीरियोडिक नंबर 4 से स्टार्ट होता है। देखो बच्चे, ये हमारा पहला, दूसरा, तीसरा, और ये बेटा चौथा, ठीक है। तो आवर्त 4 से हमारा क्या होता है, डी ब्लॉक स्टार्ट हो जाता है। ये पूरा जो स्टार्टिंग होता है ये एस ब्लॉक, ये होता है मेरा पी ब्लॉक, ठीक है, और ये यहां से वर्ग
तीन से वर्ग 12 तक के जो होंगे बेटा, ये हमारा क्या होता है, डी ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट कहलाते हैं। तो ये सारी चीज आपको पता चल गई, ठीक है। अब देखो यहाँ मैं बात करता हूँ जो हमारे स्कैंडियम से, मैं बात करूँ बेटा आवर्त चार की, आवर्त चार में बेटा जो स्कैंडियम से, स्कैंडियम से ठीक है, आवर्त तीन से सॉरी वर्ग तीन से जो स्कैंडियम की बात करूँ, स्कैंडियम से जो जिंक तक का जो एलिमेंट होता है वो मेरा क्या कहलाता है, 3D सीरीज कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है मेरा, 3D सीरीज कहलाता है। ये बच्चा आपको कंफर्म होना चाहिए, ये जो होता है बेटा इसको अपन बोलते क्या है, 3D सीरीज बोलते हैं। सेम उसी प्रकार से नीचे वाला जो होगा बेटा वो हमारा क्या होगा, 4D सीरीज होगा, ये हमारा जो है 5D सीरीज होगा, और ये मेरा जो है 6D सीरीज होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब बच्चे मैं आप बात करूं यहाँ पे, तो ये पीरियोडिक टेबल जब आप देखते हो तो जो हमारा 5D सीरीज और 6D सीरीज होता है, यहाँ पे देखने पर हमको ये पता चलता है कि जो 57 होता है, ठीक है, 57 जो एलिमेंट होता है, एटॉमिक नंबर होता है, वहां पे मेरे को एक और जो है नीचे में सीरीज देखने को मिलता है। तो हम क्या इसको सर 7 उसके बाद बेटा 8D सीरीज या फिर जो 9D सीरीज ऐसा बोलेगा, नहीं ऐसा नहीं करना बेटा। इसको क्या करते हैं देखो, यहाँ से जब ये होता है ये इसको सेपरेट होता है, ठीक है, तो इसको सेपरेट इसलिए किया जाता है क्योंकि इसकी प्रॉपर्टी अलग होती है। मैंने बोला कि एक प्रॉपर्टी वाले जो एलिमेंट है उसको एक ही जो है ग्रुप में रखा जाता है, तो यहाँ पे जो ग्रुप है बेटा जो लेंथनम है उसके बाद की जो एलिमेंट आते हैं इसकी प्रॉपर्टी अलग होती है, जो एक्टिनम है उसके बाद के जो एलिमेंट आते हैं उसकी जो प्रॉपर्टी होती है वो अलग होती है। तो बच्चे इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, अलग जो इसका लिए ग्रुप बना के रख दिए, ठीक है, एक सिंपल सी बात। वो सारे ग्रुप को अपन क्या बोलते हैं बेटा, इसी ग्रुप को हम लोग एफ ब्लॉक के एलिमेंट बोलते हैं, इसी ग्रुप को हम लोग एफ ब्लॉक के एलिमेंट बोल रहे होते हैं। पक्का सारे बच्चों को क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं बात करूँ 5D सीरीज की बात करता हूँ, 4D, 3D, 4D, 5D और 6D आखिर बोला क्यों जाता है, इसके ऊपर बात करता हूँ, ठीक है। देखो बच्चा क्या होता है कि भैया ये हमारा कुछ डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं, और ये इसको मैं बोलता हूँ बेटा, इसको बोलता हूँ 3D सीरीज, इसको मैं बोलता हूँ 3D सीरीज, ये हमारा होता है 4D सीरीज, और ये मेरा होता है बेटा 5D सीरीज, और ये मेरा होता है जो है 6D सीरीज, ठीक है, इस तरीके से सीरीज होती है। अब बच्चे यहाँ पे जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते जाते हैं तो हमारा जो आखिरी इलेक्ट्रॉन रहता है, आउटर सेल का जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो 3D में आके रुकता है बेटा। क्या होता है, 3D में आके रुकता है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं 3D सीरीज, ठीक है। करके दिखाओ बच्चा, करके दिखाओ फटाफट, देखो बच्चा, ठीक है, एक दो एग्जांपल ले लेते हैं अपन, एग्जांपल ले लूं बच्चा, देखो ध्यान से। हम जो स्कैंडियम की बात करता हूँ, स्कैंडियम का जब करते हैं बेटा, ये कौन से आवर्त में आते, आवर्त कौन से में आ रहा था बेटा, ये आवर्त चार में आता है, ये आवर्त जो है मैं यहाँ पे आवर्त लिख दे रहा हूँ जिससे बच्चों को कन्फ्यूजन ना हो, ठीक है। आवर्त और सीरीज की बात अलग अलग हो रही बच्चे, ये इसका डी ब्लॉक का सीरीज है, ये डी ब्लॉक का सीरीज है, मैं आवर्त बोल रहा हूँ मतलब ये पूरा पीरियोडिक टेबल का आवर्त है, समझ रहे हो ना। तो ये हमारा चार आवर्त नंबर चार, आवर्त नंबर पाँच, और ये छः, और ये सात, ये कुछ इस तरीके से होता है। जब इसमें स्कैंडियम के एटॉमिक जो कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करता हूँ, तो यहाँ पे क्या बात होती है बच्चा, देखो ध्यान से, 4 क्या होता है, 4s2, ठीक है। जब इसको कॉन्फ़िगरेशन करूँगा बेटा आपको पता चल जाएगा, ऐसे ही होता है, लाखरी जो इलेक्ट्रॉन होता है ऐसे ही होता है, ठीक है। देखो 4s2, उसके बाद होता है बेटा यहाँ पे 3d1, ये होता है मेरा स्कैंडियम का एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन। अब सेम यहाँ पे मेरे को अगर टाइटेनियम का निकालना हो बेटा, TI का निकालना हो, तो मैं क्या कर दूंगा, देखो 4s2 3d2, ठीक है, डी ब्लॉक के अंदर दो एलिमेंट आ जाए, ठीक है, दो इलेक्ट्रॉन आ गए। अब जब मैं वेनेडियम की बात करूंगा तो यहाँ पे जो है 3d2 था, वहाँ पे 3d3 आ जाएगा, 3d3, पता चल रहा है मैं क्या बात कर रहा हूँ, ठीक है। एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन में एटॉमिक नंबर भरते जा रहा हूँ सीधा सीधा। अब मैं जब क्रोमियम पे आता हूँ बेटा, ठीक है, देखो ध्यान से, जब मैं क्रोमियम पे आता हूँ तो क्रोमियम में क्या हो जाता है, 4s2 3d4 होता है, 3d4 होता है, क्या बेटा 3d4, ठीक है। अब देखो क्या क्रोमियम में क्या होगी, 4s2 और 3d4 होती है, लेकिन बच्चे यहाँ पे एक गड़बड़ी हो जाती है। क्या करता है कि हमारा जो ऑर्बिटल होता है, जो कक्षक होता है, वो क्या करता है कि भैया, ठीक है, हमारा जो ऑर्बिटल होता है, कक्षक होता है, वो क्या करता है, अर्धभरित रहना चाहता है, ठीक है। अब एक बात मेरे को बता दो भाई कि हमारा अगर इलेक्ट्रॉन है, हमारा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, हमारा सॉरी इलेक्ट्रॉन बोलता है, हमारा जो एलिमेंट है वो हमेशा स्थाई रहना चाहता है। अब समझ, आप अपने आप को समझो कि भाई आप जब क्या करोगे, स्ट्रगल करते रहोगे, तो आप स्थाई होना चाहोगे नहीं चाहोगे, स्थाई रहना चाहोगे ना, बस कुछ चिंता ना हो भैया, एकदम सुकून से घर में बैठ के, ठाठ से बैठ के ऑर्डर देते रहे, ऐसा स्थाई होना चाहते हो ना। सेम उसी प्रकार से हमारा जो एलिमेंट होता है बेटा, वो भी स्थाई होना चाहता है। तो स्थाई होने के लिए उसके दो कंडीशन होते हैं, स्थाई होने के लिए दो कंडीशन होते हैं, ध्यान से देखो। अगर पी ब्लॉक की बात, सॉरी डी ब्लॉक की बात, तो यहाँ पे पांच जो है ऑर्बिटल इस तरीके से होते हैं। स्थाई होने के लिए दो कंडीशन की बात करूँ तो ये क्या होता है, या फिर पहले जो पूर्ण भरित होना चाहिए, पूर्ण भरित होना चाहिए, मतलब पूरी तरह क्या होना चाहिए, डब्बा जो है पूरा भर रहना चाहिए, पांच डब्बे पूरी तरह से क्या फुलफिल होना चाहिए, भरे रहने चाहिए, या फिर बच्चे क्या होना चाहिए, अर्ध भरनी, अर्ध जो है पूर्ण रहना चाहिए, अर्ध, या फिर क्या होना चाहिए,
अर्धपूरित रहने चाहिए, अर्धपूरित रहने चाहिए, या फिर पूर्ण पूरित रहना चाहिए, या फिर अर्धपूरित रहना चाहिए, आधे भरे होने चाहिए, या फिर इस डब्बे के अंदर 5 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, या फिर भैया क्या रहना चाहिए 10 के 10 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। क्लियर है सारे बच्चों को? अब देखो ठीक है, हम जो इसको क्रोमियम की बात करें तो क्रोमियम में जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हो मेरे बच्चे, तो यहाँ पे जब देखोगे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का कुछ इस तरीके से लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है बेटा? 4s1 3d5। क्या करेगा बेटा? 3d5। तो ये क्या करता है, जो डी होता है वो एस के एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और क्या करता है, स्टेबल हो जाता है। क्या करता है बेटा? स्टेबल हो जाता है। समझ में आया बच्चा मैंने क्या बोला? जो क्रोमियम होता है वो एस का जो है एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है और क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, ठीक है, स्थाई हो जाता है। तो इस प्रकार से हमको क्रोमियम में देखने को मिलता है भैया एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। और एक बात याद रखना, जब भी डी ब्लॉक के एलिमेंट को जो है क्लासिफाइड करने की बारी आ जाएगी या फिर डेफिनेशन देने की बात आ गई, तो बेटा वहां पे आपको ये मेंशन करना है, लिखना है डेफिनेशन के अंदर लिखना है कि भैया डी ब्लॉक के एलिमेंट वे एलिमेंट होते हैं, वे तत्व होते हैं जिनमें जो है डी ब्लॉक जो है अर्धपूरित या फिर जो है पूरा जो है नहीं भर रहता, अर्धपूरित या फिर बोल सकते हैं बेटा वहां पे जो है पार्शली फिल्ड होता है। क्या बेटा? कोई भी जो हमारा ऑर्बिटर रहता है वो अर्ध भरित रहता है, पार्शली फिल्ड रहता है, हम ऐसा इसको डेफिनेशन में लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पार्शली फिल्ड है हमारा, क्लियर है, पार्शली फिल्ड। अगर ये कंप्लीटली फिल्ड हो गया तब के केस में क्या करेंगे? सर देखो बताते हैं थोड़ा देर सबर, बताते हैं थोड़ी देर, ठीक है। अब देखो जब ये कंप्लीटली फिल्ड हो जाएगा, देखो ये जो जिंक है बेटा, ये जो जिंक दिख रहा है, ये जो कैडमियम दिख रहा है, ये जो Hg दिख रहा है, ठीक है, जिंक कैडमियम Hg, ये हमारे क्या होते हैं, ये कंप्लीटली फील्ड होते हैं। कैसे फील्ड होते हैं देखो बच्चे ध्यान से, अलग से हम पेज लेते हैं फटाफट, देखो यहाँ पे, ठीक है, कोई पेज ले लो, देखते हैं यार स्पेस बनाते हैं अपन, ठीक है, देखो चलो ठीक है। अब देखो मैंने क्या बोला बच्चा, मैंने क्या बोला कि जिंक जो है, जिंक कैडमियम और मरकरी, ठीक है, ये जो तीन एलिमेंट होते हैं बेटा ये क्या होते हैं, फुल्ली फिल्ड होते हैं बच्चे, ये क्या होते हैं, फुल्ली फिल्ड होते हैं, कंप्लीटली भरे रहते हैं, फुल्ली मैं लिख देता हूँ, फुल्ली फिल्ड होते हैं, कंप्लीटली भरे रहते हैं, ठीक है। कैसे कंप्लीटली भरे रहते हैं? देखो बच्चा ध्यान से देखो, ये क्या होता है 4s2 और 3d10, इसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, 4s2 3d10 होता है, मतलब इसका दो जो हम एस के एस जो है पूरा खापी के मस्त जो है मस्त बैठा हुआ है, दो इलेक्ट्रॉन इसके पास है और डी के अंदर भी 10 आता है, तो 10 के 10 पूरे इलेक्ट्रॉन यहाँ पे भरे हुए हैं। तो ये पूरा जो बच्चा क्या होने वाला है, पूरी तरह भरे रहने वाले हैं। उसी प्रकार मैं बच्चा सी डी की बात करूँ, मतलब सी डी मतलब कैडमियम की बात करूँ, तो बच्चा ये क्या होता है 5s2 और 4d10 हो जाता है, और एच जी होता है बेटा, ये जी क्या होता है 6s2 5d10 होता है। अब बच्चे आप लोग जो है आपके दिमाग में याद होगा, सर आपको क्या ये सारी चीज़ें याद है, क्या आपको क्या ये सारी चीज़ें याद है बेटा? नहीं तो हम तो ट्रिक लगा रहे हैं भाई, ठीक है, हम लोग ट्रिक क्या लगा रहे हैं कि भाई ये जो जेड एन जो होता है क्या होता है, आवर चार में होता है, मतलब आवर चार में आ रहा बच्चा, मतलब ये जेड चौथा आवर, क्या आवर चार मतलब चार एस टू, ठीक है, ये भैया तीन जो है इससे एक माइनस हो जाता है, मतलब एक माइनस होगा तो 3d10 होता है, और डी के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन तो आते हैं, ठीक है। और एक हमको पता है कि हमारा जो पीरियोडिक टेबल होते हैं इलेक्ट्रॉन के बेसिस में भरा हुआ है, मतलब उसके जो इलेक्ट्रॉन के बढ़ते हुए क्रम में रखा हुआ है, पता है। अब भैया ये याद नहीं है तो बच्चे क्या कर रहे हो आप लोग, भैया एक जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है, जनरल एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, जनरल एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, एटॉमिक, ठीक है, कॉन्फ़िगरेशन होता है, उस कॉन्फ़िगरेशन को याद कर लेना भैया। क्या है देखो, जो हमारा पी ब्लॉक होता है उसका मैंने बताया हुआ है, अब डी ब्लॉक के बारे में बात करता हूँ, डी ब्लॉक का क्या चीज़ें होती हैं, ठीक है। देखो डी ब्लॉक में क्या होता है बेटा, यहाँ पे NS2 होगा, NS 1 to 2, क्योंकि NS के अंदर बेटा 1 से लेकर 2 तक के इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं, हमको पता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे मैं अगर बात करूँ तो पी की बात करूँ तो एन सॉरी डी की बात करूँ पी की नहीं डी की बात करूँ डी में क्या होता है डी, ठीक है, अब डी N-1 1 to 10 होगा, क्योंकि हमको पता है भैया हम इतने टाइम से क्या देख रहे हैं, 4s2 लिख रहे हैं, उसके बाद 3 एक कम कर दें, फिर 5 के बाद एक कम कर दिया मैंने, यही तो चल रहा था, यही सीक्वेंस हमारे का होता है बेटा, एक जो है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है डी ब्लॉक के एलिमेंट का। तो आपके समझ में आ गया बेटा डी ब्लॉक के एलिमेंट का जनरल कॉन्फ़िगरेशन ये होता है, और इसको एकदम बहुत अच्छे तरीके से आपको याद होना चाहिए, जिससे आप जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फटाफट कर पाओ, ठीक है बच्चा, समझ में आया सारे बच्चों को, क्लियर है। अब देखो बच्चे इसके मैंने बात कर दी, अब मेरे को हम वापस से कॉन्सेप्ट के ऊपर आता हूँ, क्या बात कर रहे थे हम, अर्धपूरित और पूर्ण परित के ऊपर बात कर रहे थे कि आधा जो भरा होता है वो एक स्टेबल हो सकता है, स्थाई हो सकता है, या फिर जो पूरा भरा है वो स्थाई हो सकता है। अब बच्चे जब ये पूरा भरा था,
जब ये पूरा भरा था, तो ये जो है हमारे पी ब्लॉक, सॉरी डी ब्लॉक के एलिमेंट के अंदर नहीं आ सकते, क्योंकि हमारा जो डेफिनेशन जो बोलता है वो क्या बोलता है, डी ब्लॉक वैसे एलिमेंट होते हैं जो क्या होते हैं, पार्शली फिल्ड होते हैं, पार्शली फिल्ड कुछ भरे रहते हैं, ऐसे हमारा जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है वो कंप्लीटली फिल्ड नहीं होते। तो बच्चा ये तो मेरा कंप्लीटली फिल्ड है, तब तो ये तो कुछ रॉन्ग हो गया, इधर तो कुछ गलत हो गया, क्या हो गया बेटा कुछ गलत। तो इसको हम क्या बोल रहे होते हैं, इसको हम लोग बोले रहते हैं सूडो, इसको अपन बोलते हैं सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। क्या बोलते हैं बेटा, सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट। अब यहाँ पे कुछ आप भौकाल क्या लिख दिया सर, ठीक है, सूडो ट्रांजिशन इधर क्या आप बोल दिए, है ना, इधर आप क्या बोल दिए, समझ ही नहीं आया। तो देखो बच्चे सबर करो, थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेनेशन देने वाला हूँ। अब देखो सूडो ट्रांजिशन एलिमेंट, या फिर बच्चे इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, छद्म, ठीक है, हिंदी में बोलते हैं छद्म, ठीक है, छद्म, छद्म संक्रामक तत्व, छद्म संक्रामण, संक्रामक तत्व, हम इस कुछ इस तरीके से बोलते हैं, क्योंकि हमको पता है कि जो डी ब्लॉक के जो एलिमेंट होते हैं बेटा, क्योंकि हमको पता है कि जो डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं इसको हम लोग संक्रामक, संक्रामक तत्व के नाम से भी जानते हैं, संक्रामक तत्व के नाम से जानते हैं, संक्रामण तत्व के नाम से क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसको भैया ट्रांजिशन एलिमेंट बोल रहे हैं, ट्रांजिशन। और ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है बच्चा, ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, देखो बच्चे यहाँ पे पी ब्लॉक है, पी ब्लॉक में पांच डब्बे, एक दो तीन चार, ये पांच, पांच डब्बे, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन इस प्रकार से ट्रांजिशन करते रहेंगे, इधर से उधर, इधर से उधर, कभी उधर जाएंगे, कभी इधर आएंगे, कभी उधर, कभी उधर, ऐसे करके ट्रांजिशन करते रहते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं बेटा, ट्रांजिशन एलिमेंट बोल रहे होते हैं डी ब्लॉक के तत्व को, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके बहुत छोटी छोटी बातें, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, आपको याद होनी चाहिए, पता चलना चाहिए कि आप क्या बात कर रहे हैं, यहाँ पे किसके बारे में यहाँ पे बात चल रही होती है, ठीक है। चलिए बच्चे आगे बढ़ते हैं फटाफट। अब देखो ये पूरा बात आपको क्लियर हो गई, अब देखो यहाँ पे मैं कुछ देर के लिए फिर वापस आता हूँ भैया, कि पूर्ण भरित जो हमारे ऑर्बिटल होते हैं वो कंप्लीट, जो पूर्ण भरित ऑर्बिटल वो स्थाई होते हैं, और जो हमारा आधा भरित होता है, मतलब अर्ध भरित होता है, वो जो स्थाई होता है। तो क्या करता है बच्चे यहाँ से देखो, ठीक है, क्या कर देगा, जो फोर क्रोमियम की बात करूँ तो यहाँ पे 4s2 जो था, क्या 4s2 3d4 था, वो क्या कर दिया, जो 3d4 था वो उसको जो है स्थाई होने के लिए वो एक इलेक्ट्रॉन चुरा लिया, एक इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं चुरा लिया, किसका चुराएगा भैया, उसके पास में जो रहेगा उसे का चुराएगा, तो उसके पास में कौन है 4s2 है, तो 4s2 का एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, और उसके बाद बच्चे क्या बचा 4s1 हो गया, और जो है वो 3d5 हो गया। तो बच्चे इस तरीके से वो क्या होगा, पूरी तरह से जो है हमारा जो क्रोमियम होता है वो स्थाई बन जाता है। क्लियर है सारे बच्चे को। अब बच्चे हम पीरियोडिक ट्रेंड्स के ऊपर बात करते हैं, कि भैया पीरियोडिक ट्रेंड्स में कैसे इफेक्ट करता है, देखो बच्चे ध्यान से सुनना, ठीक है, पीरियोडिक ट्रेंड्स के बारे में बात कर रहा हूं, ठीक है। पीरियोडिक ट्रेंड्स कहने का मतलब भैया हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो क्या होता है, दाएं से बाएं जाने पर क्या होता है, वही इसके बारे में ही मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ, कोई भी नई चीज़ नहीं है यहाँ पे, ठीक है। देखो जब हम डी ब्लॉक के ऊपर आते हैं, डी ब्लॉक पढ़ते हैं, तो डी ब्लॉक में क्या होता है बेटा, हमको पता है कि हमको पता है, क्या पता है भैया, कि हम जब ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं, तो हमारा जो एलिमेंट होता है, एलिमेंट का जो तत्व का जो आकार होता है वो तो बढ़ता जाता है सर, वो क्या होता है बढ़ता जाता है, ठीक है, क्या होता है बढ़ता जाता है। अब बच्चे ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनना, ठीक है, वो उसका जो आकार होता है, आकार जो है बढ़ता जाता है, ठीक है, आकार, आकार बढ़ता जाता है, परमाणु का जो आकार है वो बढ़ता जाता है, बढ़ता है, ठीक है। और दाएं से बाएं जाने पर परमाणु का जो आकार होता है बेटा, परमाणु का आकार होता है कम, ठीक है, ये एकदम बेसिक, एकदम फंडे की बात है, ठीक है, एकदम जो है बेसिक्स बात है। अब बच्चे जब हम यहाँ पे बात करते हैं, सारी चीज़ें बात कर दी हैं, लेकिन मेरे बच्चे जब हम लोग क्या करते हैं 3D और 4D की बात करते हैं, 3D और 4D तक क्या होता है, हमारा आकार जो है बढ़ता जाता है, लेकिन 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 ध्यान से सुनना, ठीक है, ध्यान से सुनना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर आ रहा हूँ, ध्यान से, हाँ बच्चे, तो ध्यान से सुनना मैंने क्या बोला है भैया, कि जो 3D और 4D के बाद, 3D और 4D सीरीज के बाद जो होता है, 2D और 4D सीरीज के जस्ट नीचे आते हैं तो हम 5D सीरीज में आते हैं, और 6D सीरीज के अंदर, तो उसके अंदर स्ट्रक्चर कैसे बन रहा होता है, ध्यान से सुनना बेटा, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, जो आपके बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ठीक है, बोर्ड में ये क्वेश्चन आए हुए हैं और बहुत बार ये पूछा जाता है। देखो बच्चे यहाँ पे न्यूक्लियस है, छोड़ो न्यूक्लियस की बात नहीं करते अपन, ठीक है। अब देखो कि भैया ये मानो कि ये इस तरीके से मानो कि हमारा जो होता है क्या है, 3D सीरीज है, क्या बच्चा, एक 3D है, ठीक है, ये 3D सीरीज है, 3D सीरीज है। अब बच्चे ये हो गया मेरा 4D सीरीज, ये क्या हो गया मेरा 4D सीरीज, ठीक है, ये 4D सीरीज। अब 4D सीरीज से जब जैसे मैं जाता हूँ तो मेरे को 5D सीरीज और 4D सीरीज के बीच में कुछ इतना सा ही गैप देखने को मिलता है, मतलब सिंपल सी बात है कि देखो भाई यहाँ पे क्या बात कर रहा हूँ मैं, 4D और 5D सीरीज के बीच में इतना गैप, इतना छोटा सा गैप जो है क्यों रहता है, इसके ऊपर मैं बात कर रहा हूँ। देखो ठीक से, ये 3D सीरीज जो होगा बेटा, 3D सीरीज में जो है क्या होने वाला है, 3D सीरीज के अंदर इलेक्ट्रॉनिक जो कॉन्फ़िगरेशन बहुत जबरदस्त रहती है, हमारे स्कैंडियम से लेकर जिंक तक का बात करते हैं यहाँ पे, ठीक है। लेकिन भैया मैं 4D सीरीज के अंदर आता हूँ तो 4D सीरीज के अंदर क्या होता है बच्चा, जब मैं नीचे आ रहा हूँ, ध्यान से देखो कि जब मैं नीचे आ रहा हूँ तो मेरा आकार जो है बढ़ना चाहिए,
मेरा आकार जो बढ़ना चाहिए, और बेशक बढ़ता है बेटा, यहाँ पे 3D और 4D में आते आते, 3D में से 4D में आते आते हमारा आकार क्या होता है, जो परमाणु का जो आकार होता है वो क्या होता है, बढ़ता है, बेशक बढ़ता है, ठीक है। लेकिन जब मैं 4D से 5D में आता हूँ, 4D से मैं 5D के अंदर आ रहा होता हूँ, और 5D से भैया 6D के अंदर आता हूँ, तो यहाँ पे जो है इन दोनों केसेस पर, इन दोनों फंडे पे हमारा जो परमाणु का जो आकार होता है वो कम होता है इसके कंपेरिजन में, इसके कंपेरिजन में कम होता है। क्या होता है बेटा, कम होता है। अब इसके पीछे का रीजन हम लोग जानते हैं कि आखिर कम होता है, ठीक है, क्या होता है बेटा, वो क्या होता है, कम होता है। क्लियर है बच्चों को? अब देखो, इतना स्पेस जो बहुत कम स्पेस रहता है, फिर तो आखिर ये होता क्यों है, इसके ऊपर बात करते हैं। देखो बच्चे, ध्यान से सुनना, समझना ठीक हो चीजों को, ठीक है, एकदम ध्यान से सुकून से समझना बच्चा, आपके बोर्ड की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है यार, समझ रहे हो, तो समझना पड़ेगा आपको, ठीक है। देखो अब बच्चे, मैं ध्यान से दिखाऊं, आपको ध्यान से बताऊं। देखो बच्चे, मैं पीरियोडिक टेबल के ऊपर वापस से आ रहा हूं, सारी चीजें अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। देखो क्या हुआ था, यहां पे जब हमारा लेंथेनम था, यहां पे बेटा मेरे जो लेंथेनम था, लेंथेनम के बाद आया यही तो हमारा ना, यही तो हमारा 5D सीरीज है। 4D सीरीज के बाद हमारा 5D सीरीज में आया। 5D सीरीज जब था तो 5D सीरीज मतलब लेंथेनम सीरीज में, लेंथेनम सीरीज मतलब हम जो एटॉमिक नंबर 57 की बात करेंगे, 57 से 71 की बात करूंगा मैं, तो इनके बीच में क्या होता है, सीजियम से स्टार्ट होता है। ये तो खैर लेंथेनम, तो ये लेंथेनम, तो यहाँ पे आएगा एक्टिनम, तो यहाँ पे आएगा, तो सीजियम से स्टार्ट होता है। अब सीजियम से स्टार्ट होने के बाद बेटा 71 जो एलिमेंट होता है वहां तक जाता है ये। क्लियर है बच्चे, ठीक है। अब देखो, जब हम देखते हैं, जब हम एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करता हूं, मतलब कि भैया जब मैं टाइटेनियम की बात करूं तो टाइटेनियम में क्या आता है, ध्यान से देखो बच्चा, टाइटेनियम में क्या होता है, टाइटेनियम के एटॉमिक नंबर क्या होता है भैया, 22 होता है। क्या होता है, 22 होता है, मतलब इसका जो एटॉमिक नंबर कॉन्फ़िगरेशन क्या होने वाला है टाइटेनियम में। आपको जब वापस से बताऊं, देखो टाइटेनियम की एग्जांपल, टाइटेनियम का एग्जांपल ले रहा हूं, और जो है मैं भैया JR का एग्जांपल ले रहा हूं, और बच्चे में जो है यहाँ पे HF का एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है, HF का एग्जांपल ले रहा हूँ। ये दो चीजें मैं आपको, तीन चीजें एक्सप्लेनेशन देता हूँ कि कैसे चीजें होती है। इसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा 72, HF का 72 होता है, जर्कोबियम का बेटा हमारा होता है 40 होता है, और जो टाइटेनियम का 22 होता है। तो इसको जो है अलग सा साइड में बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्रेशन करते हैं कि चीजें कैसे होती जाती है। देखो बच्चा, हमको थोड़ा सा स्पेस की नीड रहेगी, कैसे स्पेस लेना है अपन को, देखो ठीक है। अब चलो बच्चे, मैंने क्या किसकी बात की, टाइटेनियम के बारे में बात की, ठीक है, जर्कोबियम के बारे में बात की, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 40, इसका होता है 22। उसके बाद बच्चे मैंने बात की किसके बारे में, इसके बाद मैंने बात की HF के बारे में, ठीक है, HF जिसका होता है 72। तो इस प्रकार से अपन बात करेंगे। देखो ध्यान से देखते रहना, सारी चीज़ों को समझते रहना, ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मैं टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। देखो क्या होता है यहाँ पे, ये चीज़ें अगर समझ आई है तो वो टॉपिक भी आप लिख लोगे, इजीली लिख दोगे, ठीक है। देखो क्या होता है, टाइटेनियम की अगर मैं बात करूँ, टाइटेनियम के बारे में बात करता हूँ, तो ये मेरा क्या होता है बच्चा, ये मेरा होता है 3D सीरीज का, ये मेरा क्या होता है 4D सीरीज का, और ये मेरा जो एलिमेंट होता है ये होता है 5D सीरीज का, ठीक है। तो मैं इसको देखता हूँ तो क्या पता चलता है, देखो टाइटेनियम को देखने पर मेरे को क्या पता चला कि 1s2, या फिर इससे हम डायरेक्ट बात करें बेटा, क्या होता है 3D, सॉरी अगर मैं टाइटेनियम की बात करूँ, 4s2 और 3d2 आएगा, क्या आएगा बेटा, 4s2 3d2 आएगा। इसका एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट की में दो है जो है एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूँ बच्चों, ठीक है, देखो 4s2 और 3d2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैं बात करता हूँ तो क्या होता है 5s2, ठीक है, 4d2, और जब मैं बच्चे क्या बात करता हूँ, इसकी बात करता हूँ 6s2, ठीक है, 6s2। अब जब इसको मैं करते जाता हूँ तो ये क्या करता है, देखो ध्यान से समझना, चीज़ों को ध्यान से सीखते जाना, ठीक है, 6s2 और बच्चे ये क्या करता है 5D2, इस प्रकार से करता है। लेकिन जब बच्चे मैं इसको देखता हूँ, ये आपको कॉमन सा दिख रही है, एकदम कॉमन सा दिख रहा होगा, एकदम कॉमन, ठीक है। अब डिफरेंस मैं बता रहा हूँ, देखो बच्चा इसका एटॉमिक नंबर क्या था बच्चा, 22 से जो है 40 के बीच, 22 से 40, ठीक है, इनके बीच में जो डिफरेंस था, जो भी डिफरेंस था बेटा, इसको कैलकुलेट नहीं करते, जो भी डिफरेंस था वो कम दिख रहा है आपको, ठीक है, कितना ही ज़्यादा नहीं है भाई, कम ही तो है 18 का डिफरेंस है, और कितना कम है भाई, 18 का ही डिफरेंस है। अब बच्चे जब भी मैं क्या करता हूँ, 40 से 72 जो एटॉमिक नंबर पे आता हूँ, 40 से 72 के एटॉमिक नंबर पे आता हूँ, तो ये क्या करता है, 40 से 72 मतलब भैया बहुत 30 से ज़्यादा कभी, समझ रहे हो ना, तो यहाँ पे डिफरेंस जो है ज़्यादा क्रिएट हो जा रहा है, यहाँ पे जो डिफरेंस है, जो अंतर है दोनों जो है एटॉमिक नंबर के, या फिर दोनों सीरीज के बीच में, वो हो ज़्यादा हो जा रहा है, क्या बेटा ज़्यादा हो जाए, और ज़्यादा हो जा रहा है तो क्या होगा, देखो ध्यान से, और वो ज़्यादा क्यों हो रहा है ये आपको पता है, क्योंकि यहाँ से जब हम आते हैं 40 से 44 45 46 47 49 50, उसके बाद बेटा आपको पता है कि 57 से जो हमको जो है 14 और एलिमेंट मिल जाते हैं, क्या मिला बेटा, 14 और जो है नए एलिमेंट मिल जाते हैं, उस 14 नए एलिमेंट को अपन क्या बोलते हैं, नए एलिमेंट को बोलते हैं F ब्लॉक के तत्व, क्या बोलते हैं बेटा,
एफ ब्लॉक के तत्व, आपको फटाफट वापस से ऑब्जर्व करा देता हूँ। देखो यहाँ पे क्या हुआ, इस 57 में आने के बाद इस जो है इसको हाफिनियम को देखते हैं, तो 57 में आने के बाद बेटा यहाँ से 14 और एलिमेंट आ जाएंगे, 14 एलिमेंट को भी काउंट करना पड़ेगा, इसके बाद ही तो ये हाफिनियम आएगा ना, इसके बाद तो हाफ नियम आएगा। तो यहाँ पे क्या हो गया, देखो ध्यान से, ठीक है, हमारा जो हाफ नियम था वहाँ इसका एटॉमिक कंफिगरेशन वहाँ पे 32 जो है डिफरेंस आ रहा, मतलब वहाँ पे जो साइज है वो हमको जो है बहुत ज़्यादा मिल रही है, इसको जो गैप है वो बहुत ज़्यादा मिल, जो हमारा हाफ नियम का जो बेटा एटॉमिक नंबर 72 होता है, तो वहाँ पे एफ ब्लॉक के जो एलिमेंट भी आ जाते हैं। और एक बात जो है इंटरेस्टिंग थी एफ ब्लॉक के बारे में बताता हूँ कि एफ ब्लॉक का जो परिरक्षण प्रभाव जो है, परिरक्षण प्रभाव मतलब बेटा शील्डिंग इफेक्ट की बात करें, ठीक है, परिरक्षण प्रभाव बहुत ही बेकार होता है। क्या बेटा, बहुत ही बेकार परिरक्षण प्रभाव जो है, बहुत जो है कमजोर होता है, कमजोर बेकार होता है बेटा, ठीक है, बहुत कमजोर होता है। और कमजोर होने के कारण बेटा इसके जब नीचे आते जाते हैं तो एटॉमिक जो स्ट्रक्चर होता है वो छोटा हो जाता है। क्या बेटा, छोटा हो जाता है। अब इसके पीछे का रीजन आपको जानना होगा, ठीक है, मेरे बच्चे को जानना होगा, तो वो क्या, मैं तो अब पी ब्लॉक के अंदर ही बात किया हूँ, अगर जानना ही बेटा मैं आपको जो फटाफट थोड़ी देर के लिए रिवाइज कर देता हूँ कि कैसी चीज़ होती है। देखो जब भी हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, क्या होता है बेटा, जब भी हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर होता है, सपोज करो कि ये मेरा एटॉमिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये मेरा न्यूक्लियस और ये मेरा फर्स्ट सेल और ये सेकंड सेल, ठीक है, थर्ड सेल। अब मानो कि क्या बात कर रहे हैं भैया, हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम जो है बात कर रहे हैं, चलो मैं पूरा का जनरल कॉन्फ़िगरेशन बता दे रहा हूँ। जनरल कॉन्फ़िगरेशन में क्या होता है बेटा, यहाँ पे क्या होता है NS1-2 या फिर भैया NS की बात करते हूँ, सीधा 1S कर लेता हूँ, और यहाँ पे N-1D के बारे में बात करता हूँ, N-1D के बारे में बात करता हूँ। ये पूरा D ब्लॉक के लिए जनरल कॉन्फ़िगरेशन, ठीक है, जनरल स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब देखो क्या होता है, जब भी जो है हमारा न्यूक्लियस जो होता है क्या करता है, इस आउटर सेल के ऊपर फोर्स लगाता है, जिसको अपन क्या बोलते हैं बेटा, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश, जिसको मैं जो है शॉर्ट फॉर्म में लिखता था ZEV इफेक्ट, ठीक है, ZEV इफेक्ट, ठीक है, इसको अपन क्या बोले, प्रभावी नाभिकीय आवेश। अब ये नाभिक है तो इसको क्या करके आउटर सेल को खींचेगा, अब उसके खींचेगा बेटा, तो उसका जो आकार होगा वो कम होगा कि नहीं होगा, डेफिनेटली होने वाला है, ठीक है। जब ये कम होगा तो इनके बीच में एज अ बॉडीगार्ड कौन काम करता है, इसके जो इनर्ट वाला जो सेल रहता है, ये जो सेल रहता है बेटा, उसके अंदर का जो सेल रहेगा वो उसका एज अ बॉडीगार्ड काम करेगा, मतलब ये जो है क्या करेगा, रक्षा करेगा, इलेक्ट्रॉन ना खींच पाए, तो एज अ बॉडीगार्ड काम करेगा जो इनर सेट है, ठीक है। ये जो तीसरा वाला जो होगा, ये जो N-1-2D लिखा हुआ हूँ, ये जो सेल रहेगा वो एज अ बॉडीगार्ड काम करेगा, मतलब यहाँ पे परिरक्षण प्रभाव काम करेगा। क्या बेटा, परिरक्षण प्रभाव काम कर रहे हैं, समझ में आया सारे बच्चों को, परिरक्षण प्रभाव काम कर रहा है। अगर बच्चे ये पूरा का पूरा जो सेल है परिरक्षण प्रभाव ज्यादा होता है, मतलब उसको बॉडीगार्ड बहुत ज्यादा रहेगा, तो क्या मेरा एटॉमिक स्ट्रक्चर ऐसे श्रिंक हो पाएगा, छोटा हो पाएगा, पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि उनके बीच में जो बॉडीगार्ड है वो बहुत ज्यादा उसको रोक दे रहा है, इसको रोक दे रहा है, नाभिक को जो है रोक दे रहा है अट्रैक्शन फोर्स लगाने में, तो वो जो एटॉमिक नंबर, एटॉमिक जो साइज होने वाली है वो छोटी नहीं हो पाएगी। लेकिन अगर मेरा परिरक्षण प्रभाव कमजोर होता है, मैं बिना बॉडीगार्ड के चलूं, मेरा बॉडीगार्ड रिस्पॉन्सिबल ही नहीं है उसके लिए, ठीक है, तो हम क्या वहां पे क्या देखने को मिलेगी कि हमारा जो आउटर सेल है इजिली जो है नाभिक की ओर अट्रैक्ट कर जाएगा, नाभिक को जो खींचा चलाएगा, जिससे क्या होता है हमारा जो परमाणु का जो साइज होता है, जो आकार होता है वो कम हो जाता है। समझ में आया सारे बच्चों, समझ में आया पक्का सारे बच्चों को, ठीक है। अब देखो जो परिरक्षण प्रभाव जो है कम हो जाएगा। अब क्या होता है बेटा, इन केसेस में जो ZEV इफेक्ट जो होता है, वो शील्डिंग इफेक्ट, ठीक है, इसको हम बोलते हैं शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट भी बोलते हैं। अब बच्चे जब ZEV इफेक्ट जो है स्क्रीनिंग इफेक्ट से, ठीक है, ZEV इफेक्ट जो स्क्रीनिंग इफेक्ट से ज्यादा हो जाता है, ठीक है, स्क्रीनिंग इफेक्ट से, तब हमारा जो आकार होता है बेटा, जो परमाणु का जो आकार है वो क्या हो जाता है, छोटा हो जाता है। क्या बच्चा, छोटा हो जाता है। सिंपल सी बात है, कोई चीज़ यहाँ पे जो है एकदम हाई फाई बातें नहीं है, बट एकदम सिंपल सी बात है, बस सोचते ही जाना है आपको, बस सोच के ही रखना है कि कैसे चीज़ें होती है। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है, अब ये डी ब्लॉक के अंदर जब होता है, तो ये जो प्रोसेस है पूरा डी ब्लॉक के अंदर होता है, तो इसी को हम लोग कुछ और जो है नाम दे देते हैं। सिंपल सी बात है, ये सब में होता है, लेकिन जब डी ब्लॉक के अंदर आता है तो इसको हम अलग नाम दे देते हैं। क्या नाम देते हैं बच्चा, देखो ध्यान से मैंने क्या बात किया, जब हम जो जर्कोवियम से कहा हाफिनियम पे आ जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे जर्कोवियम से 40-72 के अंदर आते हैं, तो यहाँ पे भैया क्या होता है, जो स्पेस होता है बहुत ज्यादा हो जाता है। अब देखो बच्चे वहाँ पे क्या स्पेस हो गया, देखो यहाँ पे क्या हुआ, जब स्पेस बढ़ा, इसका मोलर मास बढ़ा, ठीक है, जब एटॉमिक का जो न्यूक्लियस का जो वेट बढ़ा,
ठीक है, प्रोटॉन की संख्या वहां पे बढ़ गई। जब प्रोटॉन की संख्या बढ़ गई बेटा, तो ये क्या करेगा, बहुत ज्यादा पावरफुल हो गया। प्रोटॉन की संख्या बढ़ने से नाभिक पावरफुल हो गया। अब जो आउटर सेल इसको बहुत जोर से खींचेगा, अब जब बहुत जोर से खींचेगा बेटा, ठीक है, बहुत जोर से खींचेगा, तो इसकी जो कैपेसिटी होगी खींचने की वो क्या हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। जब जोर से खींचेगा तो कोई ना कोई तो पास आएगा ना, ठीक है, अब पास आएगा। अब इसकी जिम्मेदारी कौन है, जो हमारा जो इनर सेल है तो N-1D लिखा हुआ, इसकी जिम्मेदारी क्या है कि वो आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन उसको खींचने से रोक दे, कि वो नाभिक की ओर ना खींचाए, ठीक है, समझ रहे हैं, नाभिक की ओर ना खींचाए, ये उसकी जिम्मेदारी। लेकिन हमारा जो एफ ब्लॉक होता है, क्योंकि हमको पता है अभी इसका जो एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, HF का जो एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, यहाँ पे लिखा हुआ है बेटा, ध्यान से देखो क्या होता है, 6s2 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 5d2, ये होता है, ठीक है, हमारा एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन इसको इस तरीके से देखने को मिलता है। अब बच्चे जब मैं इसको जो है करता हूं, तो यहां पे जो हमारा क्या होता है, सबसे पहले एफ ब्लॉक आता है, क्या बेटा, एफ ब्लॉक, यहां पे मेरा एफ ब्लॉक आ जाता है और यहां पे मेरा होता है एस ब्लॉक के एलिमेंट, ठीक है। अब जो एफ ब्लॉक जो एलिमेंट आता है वो क्या करता है, ध्यान सुनना, ठीक है, यहां पे क्या करता है, सपोज करो कि यहां पे जो एलिमेंट होता है एफ ब्लॉक का, वो हो जाता है कमजोर, वो क्या हो जाता है, कमजोर। और कमजोर होने से मेरे बच्चे क्या करेगा, जो इनर सेल, जो आउटर सेल के जो इलेक्ट्रॉन है उसको जो है बचा नहीं पाएगा, और वो क्या करेगा, नाभिक की ओर जो है खींचा चला आएगा, जिससे हमारा जो परमाणु का आकार है वो क्या हो जाएगा बेटा, आकार जो है यहाँ पे कम हो जाएगा। यहाँ पे लिखा हुआ है आकार जो हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। समझ में आया सारे बच्चों को, क्लियर है? अगर क्लियर हुआ होगा तो बेटा आप लोग जो कमेंट सेक्शन में जबरदस्त तरीके से क्या करिएगा, लाइक कीजिएगा, जो है कमेंट सेक्शन में जो है कमेंट कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों तक फैला दीजिएगा, ठीक है बच्चा। तो इसी जो पूरा का पूरा जो प्रोसीजर होता है, ये जो पूरा प्रोसीजर होता है बेटा, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, लेंथेनाइड संकुचन। क्या बोलते हैं बेटा, लेंथेनाइड संकुचन बोलते हैं, जो कि आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया बेटा, समझ आया? ये जो क्वेश्चन है बेटा आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया, तो इसको समझना और इसको लिखने भी आना चाहिए। तो इसके लिए हम थोड़ा सा टाइम लिए और बहुत अच्छे से समझे कि कैसे चीजें होती है। जब एक्टिनाइड पे होता है बेटा, ठीक है, लेंथेनाइड मोटी, तो इसको लेंथेनाइड संकुचन बोला जाता है। जब एक्टिनाइड के ऊपर होती है तो उसको हम एक्टिनाइड संकुचन बोलते हैं। क्लियर है बच्चे सबको? ठीक है, क्लियर हुआ होगा एकदम जबरदस्त तरीके से, उम्मीद कर रहा हूँ। ठीक है, तो बच्चे हमने यहाँ पे बहुत जबरदस्त तरीके से सारी चीजें पढ़ ली है। अब बच्चे सिर्फ और सिर्फ हमको जो है कुछ बेसिक्स बातें हैं वो हम करने पड़ेंगे, करना होगा, और वहाँ पे पूरा का पूरा ओवरऑल चैप्टर जो खत्म हो जाएगा। और नेक्स्ट वाले वीडियो लेक्चर के अंदर बच्चे मैं जो है आपको ये डिस्कस करूंगा कि कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे जो है पूरा उसको लिखना होगा। ठीक है, तो उसके ऊपर हम बात करें। तो अभी के लिए वीडियो लेक्चर बच्चे हम यहीं पे खत्म करते हैं। धन्यवाद।